नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है और आपके पास में DIN नंबर है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोटिस है कि कल मतलब कि 30 तारीख को DIN KYC डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का KYC करने का लास्ट डेट है। अगर आपका DIN एक्टिवेट नहीं है तो आप इसको मतलब या तो कैंसिल कर लीजिए या फिर आप उसको फिर से एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है या आपको डीन नंबर मिला हुआ है, तो ये KYC करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका DIN डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको 30 तारीख के बाद 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। तो कैसे आप चेक करोगे कि आपका DIN एक्टिवेट है कि नहीं है, मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर अपना DIN का KYC चेक करना है तो आप सीधा DIN स्टेटस लिखिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा DIN स्टेटस। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पास MCA की वेबसाइट खुल जाएगी, इंक्वायरी DIN स्टेटस। आप इसको ओके कीजिए। अगर आपके पास में DIN नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से यहाँ देख के या यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपको खुद का DIN नंबर नहीं पता है तो मैं आपको उस आसान उपाय बता देता हूँ जहाँ से आप अपना खुद का DIN नंबर निकाल सके। तो आप जिस भी कंपनी में डायरेक्टर है उस कंपनी का नाम यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं एक कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ये मेरी ही कंपनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम मैंने लिख दिया, तो आपके पास में इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पास एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो या आप उस कंपनी का जुबा कॉप है जहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, तो कंपनी के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पास नीचे में देखिए, कंपनी के जो डायरेक्टर है उसका आगे DIN नंबर यहाँ दिया गया है, तो आप उसको वहाँ से कॉपी कर लीजिए। जैसे इस कंपनी के डायरेक्टर निशा कुमारी है, तो इनका डायरेक्टर DIN का मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने जो DIN स्टेटस वाला निकाला था विंडो, उसको ओपन कर लीजिए। वहाँ पास आप उस DIN नंबर को पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप सबमिट कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ DIN नंबर आ गया है, डायरेक्टर का नाम आ गया है और इसका जो DIN का स्टेटस है अप्रूव यहाँ बता रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप खुद का DIN नंबर चेक कर सकते हैं ताकि आप 5,000 की पेनल्टी से बचे और आपको नुकसान नहीं हो, क्योंकि एक दिन भी अगर लेट होगा, एक मतलब 12 बजे के बाद रात में, ये आपको 5,000 रुपये पेनल्टी हो जाएगी। अगर आपको खुद का DIN स्टेटस चेक करवाना है या आपको KYC करवाना है, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ पास आपको DIN स्टेटस चेक करके भी बता दिया जाएगा और साथ में आपका KYC भी करके दिया जाएगा और कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, जितने भी इस तरह के संबंधित कार्य काम है, वो सब कुछ को हमारे यहाँ से आपको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।